गुरु जी को जब पहली बार सत्संग सुना था, तब से मन में ऐसी इच्छा जगी कि साक्षात कृष्ण और राधा के अवतार हैं और साक्षात भगवान दिखते हैं हमको। नहीं, उनको देखकर लगता है ऐसे ही बिल्कुल कि अभी नर रूप में नारायण है हमारे सामने, बिल्कुल साक्षात प्रकट में वर्तमान में है। ये पॉजिटिविटी बहुत देती हैं, इससे वाइब्रेशन बहुत अच्छे आते हैं गुरु जी से। कोई भी संसारिक पढ़ाई, कोई भी ऐसी उपलब्धि हमारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें धाम का वास नहीं करा सकती, सिर्फ महाराज जी की कृपा कराती है। कब यहाँ पे दर्शन हुए महाराज जी के, और अब बस उनके ही झलक देखने के लिए तरस रहे, मन में ऐसे लग रहा है साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी की विशेष कृपा है यहाँ पे, समझ लीजिए। कुछ भी नहीं करेंगे, रहेंगे तो राधा नाम, इतना मस्ती है ना, कहीं नहीं देखने को मिल सकता है आपको। आज हम यहाँ आए हैं तो वो वाली बात है कि महाराज जी की कृपा रूपी वायु से ये तिनका उड़ के यहाँ उनके श्री चरण कमलों में आ गया, बाकी तो अपनी क्या सामर्थ्य। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ, सूर अस्त वृंदावन मस्त। ब्रज के रसिक आचार्यों ने अपनी वाणी में बताया है कि ब्रज भूमि में सदा नित्य विहार होता है, इसी भाव को आज वृंदावन में साकार किया है श्री प्रेमानंद महाराज जी ने, जो रात में राधा नाम का प्रकाश और दिन में राधा नाम की धुन के साथ पूरा वृंदावन गूंजता रहता है। हम इस वक्त हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में, आप देखेंगे हर जगह रंगोली आपको नजर आएंगी, हर जगह आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, और जिधर आप नज़र डालेंगे उधर दुकानें दिखाई देंगी। जिस तरीके से ये दुकानें हैं, जो भक्त यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको खाद्य सामग्री आसानी से मिल सके, उसके लिए ये रात में यहाँ पर आप देखेंगे चाय, मेरा वृंदावन चाय यहाँ पर मिल रही है, और तमाम भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे महाराज जी का किस तरीके से स्वागत किया जाए, हर भक्त चाहता है कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया जाए, तो यहाँ पर पुष्पों की दुकान यहाँ पर लगी हुई है, और इधर आप देखेंगे तमाम भक्त महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। रात के करीब 1:30 बज चुके हैं और हर किसी को इंतज़ार है महाराज जी के दर्शन का, और यहाँ पर भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं जो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, कहाँ से ब्रज भूमि में आई, वृंदावन में आई? हाथरस। हाथरस से आप यहाँ पर आई, एक अच्छे घर के अपने बिस्तर को छोड़कर ब्रज रज में आप बैठी हुई हैं, महाराज जी का इंतजार कर रही हैं, तो कैसे हृदय में भाव आया आपके? देख के गुरु सुन के गुरु जी के दर्शन करने का भाव आया। आप बताइए क्या नाम है आपका? चारू। चारू जी कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ पर रात में इंतजार कर रही हैं, तो किसका इंतजार हो रहा है? गुरु जी का। गुरु जी का। तो हृदय में कैसे भाव आ गया, उत्पन्न हो गया? गुरु जी को सुनकर, उनकी वीडियो देख कर, वीडियो वगैरह देखी उनकी, और इसलिए। देखिए ये भक्त हैं जो महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं कि महाराज जी को सोशल मीडिया पर देखा तब उनके अंदर एक भक्ति जागृत हुई। आप देखें इधर आप नज़र डालेंगे उधर आपको प्रकाश ही प्रकाश नज़र आएगा, भले ही आधी रात हो चुकी हो, लेकिन जो भक्त है वो महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए इधर, तो किस तरीके से ब्रज रज में आसन लगा कर महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं, और इधर आप देखेंगे तो पुष्पों की फिर से आपसे आपको दुकान दिखाई देगी। जिस प्रकार से आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का बाजार लगाया था, आज उसी प्रकार से वृंदावन में राधा नाम का बाजार लगा हुआ है। हर जगह आप देखेंगे भक्त हैं यहाँ पर जो महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? हम हाथरस से आए भैया। तो रात में चाय की चुस्की और फिर किसका इंतजार? महाराज जी का इंतजार है। ये तो सोने का समय होता है, हर कोई चाहता है कि अच्छा बिस्तर मिले, सोने से अच्छा महाराज जी के दर्शन, सोते तो रोज ही है। हृदय में कैसे भाव आ गया आपके? ये पॉजिटिविटी बहुत देती हैं, इससे वाइब्रेशन बहुत अच्छे आते हैं गुरु जी से।
डेली कृष्णाय का जाप करने से बहुत अच्छा लगता है। तो हृदय में एकदम से भाव कैसे उत्पन्न हुआ आपके? ये गुरुजी को यूट्यूब पे देखते 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 इनसे बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया। महाराज जी के आप दर्शन करेंगी यहाँ पर? फर्स्ट टाइम दर्शन करेंगे, पहली बार दर्शन करेंगे। पहली क्या करते हैं आप हाथ में? मैं दाल मिल चलाता हूँ। दाल मिल चलाते हैं आप, पूरे एकदम भक्ति में मस्तक पर ब्रज रज, भक्ति में लीन होने आए हैं आज यार। तो क्या अभिलाषा है आप लोगों की? बस गुरु जी के दर्शन हो जाए, बस और कोई अभिलाषा नहीं है। आप बताइए कहाँ से हैं? राधे राधे। हम इन्हीं के साथ आए हैं, महाराज जी के दर्शन करने के लिए आप आए। देखिए तमाम भक्त यहाँ पर महाराज जी के दर्शन। राधे राधे, कहाँ से पधारे? मैं महाराज उड़ीसा संबलपुर जिला कुचिंडा से बिलोंग करता हूँ, और मैंने आज ही वृंदावन आया, मथुरा आया था, और आज ही एक ही दिन में बहुत सारे जगह घूमा। और आज ही जब मैं 10 बजे मेरा वृंदावन अपना जो बिहारी लाल के बगल में मैं ठहरा हूँ, तो वहाँ पे एक भैया बोले कि पूरा वृंदावन का परिक्रमा करने से बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है राधा राधा का नाम जपने से। और मैं फिर आया, पूरा वृंदावन का परिक्रमा किया, और कुछ दूर बाकी है, मेरा परिक्रमा कम्प्लीट हो जाएगा, और रास्ते में फिर बाबा जी का भी दर्शन भी हो जाएगा। बहुत बहुत खुशी लग रही है भैया कि आज एक दिन में इतना दर्शन करके बाबा जी का भी दर्शन हो जाएगा। इनको सिर्फ मैंने मोबाइल और यूट्यूब में ही देखा था। क्या करते हैं उड़ीसा में? उड़ीसा में मेरा बैग का शॉप है। बैग का शॉप है जी महाराज। बहुत सुंदर। राधे राधे। देखिए यहाँ पर दुकान भी है, आइए इनसे बात करते हैं। एक दुकान भक्त है यहाँ पर पूरे। क्या बेच रहे हैं आप? चाय और मैगी। चाय मैगी बेच रहे हैं जी। तो आप तो पूरे एकदम भक्ति में नजर आ रहे हैं, मस्तक पर ब्रजराज लगी हुई है। सब महाराज जी की, शिव जी की कृपा है। कैसे हो गई आपके ऊपर कृपा महाराज जी की? ये तो सिर्फ महाराज जी जानते हैं कि कैसे हो गई, कहने का कोई विषय नहीं। क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी। कहाँ से आए वृंदावन? बरेली। बरेली में आप क्या करते थे? मैं वहाँ सेल्स में जॉब करता था, पढ़ाई भी करता था। क्या पढ़ाई की? BSc। उसके बाद मन में ये हुआ कि बस धाम रहना है, धाम रहना है। जॉब के साथ एक बाउंडेशन होती है कि नहीं, यहाँ पर महाराज जी का सानिध्य नहीं मिल पाता, फिर श्री जी ने प्रेरणा की, तो फिर बस ये चल रहा है। चाय बेचकर अच्छा लगता है? महाराज जी के दर्शन करके अच्छा लगता है। तो कार भी इससे चल जाता है? बिल्कुल, इसीलिए है कि महाराज जी के दर्शन भी हैं, ये सब भक्त जन आते हैं, इनकी सेवा भी है, अपनी भी सेवा हो रही है इससे। बस एक बहुत बड़ी बात होती है, एक जॉब छोड़कर एक अच्छी खासी पढ़ाई की, उसके बावजूद भी चाय का ठेला लगाकर चाय बेचना, तो लगता नहीं कुछ अजीब सा? नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी बात तो धाम है ना, धाम मिलना। कोई भी संसारिक पढ़ाई, कोई भी ऐसी उपलब्धि हमारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें धाम का वास नहीं करा सकती, सिर्फ महाराज जी की कृपा कराती है। और जो धाम का वास है, महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर जूते चप्पल की सेवा करने वाला भी बाहर, यहाँ से बाहर रह रहा है, जो भले इंद्र के पद पर बैठा हो, उसकी समानता नहीं हो सकती। कितने वर्षों से आप ये सब कार्य कर रहे हैं? ये तो हाल फिलहाल 2 महीने शुरू किया है, बट श्री जी कृपा से 2 साल से धामवास चल रहा है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए ये एक भक्त थे जो अच्छी खासी पढ़ाई की, BSc की, और एक जॉब भी करते थे, लेकिन सेवा का भाव मन में आया तो सब कुछ छोड़ा, और आज यहाँ पर भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं, और कुछ कार्य भी इनका चल रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे जिधर भी अगर नज़र डालेंगे, उधर ही आपको हर प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकान मिलेगी। और ये दुकान उन लोगों के लिए है जो राधा नाम का जप करते हैं, राधा रानी के लिए यहाँ पर आए हैं। और भक्त यहाँ पर देखेंगे आप, फूल भी महाराज जी के लिए बना रहे हैं यहाँ पर, कि महाराज जी का स्वागत फूलों के साथ किया जाए। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इनमें उल्लास है, और गुलाब के फूलों से स्वागत करेंगे। राधे राधे। आइए इनसे बात करते हैं। श्री हरिवंश। श्री हंस। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से पधारे? जयपुर से। जयपुर में क्या कार्य करते हैं आप? जयपुर में तो बिजनेस ही है, टाइल का बिजनेस है। टाइल का बिजनेस करते हैं, लेकिन ये फूल आप किसके लिए तोड़ रहे हैं? महाराज जी के लिए। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी का हमारे मन में जब से देखा है ना, जब से
बस ऐसे कब चले और कब यहाँ पे दर्शन हुए महाराज जी के, और अब बस उनके एक झलक देखने के लिए तरस रहे, मन में ऐसे लग रहा है साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। देखिए ये भक्त जो जयपुर से यहाँ पर आए हैं और महाराज जी के लिए जो रंगोली बना रहे के लिए यहाँ पर फूल चुन रहे हैं, और इधर देखिए और भी भक्त हैं यहाँ पर जो महाराज जी के लिए रंगोली बना रहे हैं और कि महाराज जी आएंगे और उनके स्वागत करेंगे। फूल देखिए कितना सुंदर रंगोली बनाई है ये इन भक्तों ने यहाँ पर, और हृदय में भाव है कि महाराज जी का कैसे भी स्वागत हो, अच्छे से अच्छा स्वागत हो, और महाराज जी जब यहाँ से गुजरें तो उनके चरणों में ये फूल आए। ये भक्त वो हैं जो दूर दराज से महाराज जी के दर्शन करने के लिए और राधा रानी का प्रेम पाने के लिए यहाँ पर आए और राधा रानी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं महाराज जी का। आप जिधर आप देखेंगे तो ब्रज रज में बैठे हुए आसन लगाए हुए यहाँ पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर इंतज़ार महाराज जी का कर रहे हैं, और आगे आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी रंगोली आपको दिखाई देगी कि जो भक्त दूर दराज से आए हैं वो रंगोली यहाँ पर बना रहे हैं। और देखिए साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पर खाद्य सामग्री की दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो भक्त दूर दराज से आते हैं उनको आसानी से खाद्य सामग्री मिल सके, प्रसाद मिल सके। आप देखेंगे ये दूध जो भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है, आप देखिए दूध कुल्लड़ वाला यहाँ पर दूध मिलता है। जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनको राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ तिवारी। सौरभ जी कहाँ से आए आप? जी मैं अयोध्या से। अयोध्या राम की नगरी से कान्हा की नगरी में आप आए हैं, तो कैसे चल पड़ा ये सब कुछ? सब उन्हीं की कृपा है, अब मैं अपने सब मुँह से जबान से क्या बोलूँ, सब अब क्या बताया जाए, बस उनकी कृपा हो गई। दो दिन के लिए आया था, 4 महीने लगभग हो गए। अब कुछ कहाँ दो दिन के लिए यहाँ पर आए थे? मैं 2 दिन घूमने आया था, पर ऐसे कृपा बनती गई, मन भी लग गया, अभी 4 महीने हो गए। तो अब घर से पैसे मंगाना उचित नहीं था, तो मैंने उसको यहाँ पर चालू कर दिया कि अपना भाई खर्चा रहता है, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है खुद का अपना। तो कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पर? आनंदमय, मैं शब्दों के माध्यम से बता नहीं सकता आपको, इसके लिए आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। आप रहिए यहाँ पे, मैं तो यही बोलूँगा, फिर इसका आनंद देखिए आप। हम तो सदा यहीं रहते हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रजजन हैं, वृंदावन के रहने वाले। फिर क्या बताऊँ, फिर आपको मैं क्या बताऊँ, आपको तो पता होगा यहाँ का आनंद क्या कहा जा सकता है। राधा रानी की विशेष कृपा है यहाँ पर, समझ लीजिए कुछ भी नहीं करेंगे रहेंगे तो राधा नाम, इतना मस्ती है ना कहीं नहीं देखने को मिल सकता है आपको। मैं तो अयोध्या में हूँ, वहाँ भी ये मस्ती नहीं है, है पर इतनी नहीं है, यहाँ का आनंद बहुत अद्भुत। महाराज जी की कृपा कैसे हो गई आप पर? विशेष बहुत कृपा, वो मतलब युवा को बहुत अच्छा पकड़ते हैं वो, उनकी जो वाणी है बहुत सरल है, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। बहुत से पुरुष हैं बातें तो करते हैं पर उनका थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, ये बहुत सरल और तपस्या, तो भाई इनका क्या कहें, सबको पता है, सब जानते हैं इनके बारे में। देखिए ये भक्त जो अयोध्या से यहाँ पर आए कान्हा की नगरी वृंदावन में 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन मन ऐसा बसा कि वृंदावन में ही रह गए। देखिए बच्चे भी यहाँ पर महाराज जी के लिए रंगोली बना रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। आवाज़ नहीं, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका किस क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड। तीसरी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो ये रंगोली किसके लिए बना रहे हैं आप? महाराज जी के लिए। देखिए बच्चे भी यहाँ पर महाराज जी के लिए रंगोली बना रहे हैं और पहली बार दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप एक बार इधर देख लीजिए किस तरीके से भक्तों ने ब्रज रज में अपना आसन बना रखा है, और हर भक्त को इंतज़ार है कि महाराज जी के दर्शन हो और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप देखेंगे इंतज़ार कर रहे हैं। अब समय लगभग 2 बज चुके हैं और हर भक्त यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है महाराज जी के, महाराज जी आएँ और उनके दर्शन करें।
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तब तमाम युवा भी यहाँ पर महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी कहाँ से पधारे वृंदावन? मध्य प्रदेश से। क्या करते हैं आप मध्य प्रदेश में? मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। तो रात में किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारी श्री जी का, महाराज जी का, नर रूप में जो नारायण है अभी वर्तमान में उनका। तो कैसे मन में भाव आ गया महाराज जी के लिए? नहीं, उनको देखकर लगता है ऐसे ही बिल्कुल कि अभी नर रूप में नारायण है हमारे सामने, बिल्कुल साक्षात प्रकट में वर्तमान में है। तो हमारा सौभाग्य है इस कलयुग में कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि न जाने कौन से गुण से दयानिधि रीत जाते हैं, ऐसा कहा है गुरु जी ने ही। तो प्रभु की कृपा हुई है तो हमारे ऊपर कि अभी वर्तमान में हम उनके दर्शन करेंगे इन आँखों से, बड़ा सौभाग्य है। आप बताइए क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी कहाँ से आए? आगर मालवा से आए। तो कैसे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ? गुरु जी को जब पहली बार सत्संग सुना था, तब से मन में ऐसी इच्छा जगी कि साक्षात कृष्ण और राधा के अवतार हैं और साक्षात भगवान दिखते हैं हमको। तो उस पीरियड से लेके जब से लेके राधा का नाम जब करते हैं और जब से हम राधा नाम में लगे हुए हैं, और आज सौभाग्य मिला के प्रभु जी के दर्शन होंगे हमको, इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। देखिए तमाम भक्त हैं जो महाराज जी के दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी महाराज जी कुछ ही पल बाद यहाँ पर आएंगे और हर कोई बोलेगा राधे राधे। और यहाँ पर चाय की एक दुकान भी यहाँ पर लगी हुई है, और आप देखेंगे जो भक्त यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनको आसानी से यहाँ पर खाद्य पदार्थ मिल सके, उनके लिए ये बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव प्रभु। पुष्पेंद्र जी आप वृंदावन में कैसी अनुभूति आप? प्रभु ये तो स्वर्ग है, दुनिया का सबसे पवित्र स्थल वृंदावन ही है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ बांके बिहारी का जन्म स्थल है और प्रभु की कृपा है, प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद से उनके श्री चरणों में ध्यान लगाने के लिए आया है। इटावा में आप क्या कार्य करते थे? हम प्रभु बैंक में भी कार्यरत रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन में भी रहे हैं। बैंक में क्या करते थे आप? बैंक में प्रभु हम कैशियर थे, सेल्स जॉब किया है। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण ब्रजवासी। लक्ष्मण जी कब से महाराज जी के लिए लक्ष्मी बना रहे हैं? जब से महाराज जी पैदल आना शुरू करा है तब से हम ये सेवा उनके कर कमलों द्वारा पेश कर रहे हैं। तो मन में कैसे भाव आ गया आपके के महाराज जी के स्वागत के लिए रंगोली हमको बनानी चाहिए? ये उन्होंने श्री जी की प्रेरणा से कि मतलब कुछ तो महाराज जी की कृपा से ही होता है जो कुछ हुए। आज हम यहाँ आए हैं तो वो वाली बात है कि महाराज जी की कृपा रूपी वायु से ये तिनका उड़ के यहाँ उनके श्री चरण कमलों में आ गया। बाकी तो अपनी क्या सामर्थ्य है, बाकी तो ये वाली जो कुछ हुआ है वही सब गुरुदेव भगवान की कृपा से चल रहा है, और आगे जैसी उनकी कृपा होगी उसी से अनवरत चलता रहेगा। और आप जैसे ब्रजवासियों का आशीर्वाद चाहिए हमारे को। तो श्री हरिवंश। श्री यादव हरिवंश।